राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपना YouTube चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेकर आई, छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक बार जो है एक राजा अपनी प्रजा का भी हालचाल पूछने के लिए अपने राज्य में घूमने लगा। वो गांव-गांव जाता और भाई सबकी समस्या सुनता। अगर भाई किसी की कोई समस्या है तो बता दो, भाई उसका हल निकाला जाएगा, समस्या को ख़त्म किया जाएगा। तो राजा जो है दौरे पे थे, भाई जिस जिस गांव की भी जो भी समस्या आती अपने मंत्री से कहते और भाई उनकी समस्या का समाधान करवाते। तो एक गांव में राजा जी जा रहे थे घूमने के लिए। तो वहां जब उस गांव में गए तो भाई जहाँ सभा हो रही थी वहाँ जो है राजा राजा की जो है भाई वो जो ऊपर पैर कपड़े पहन रहे थे उनका जो एक बटन टूट गया, उनका एक बटन टूट गया। तो राजा ने भाई वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहे, तो राजा ने कही भाई ये बटन टूट गया, किसी दर्जी को बुलाओ और भाई मेरा जो है बटन लगवा दो। तो भाई वो जो सेनापति थे भाई वो दर्जी ने लाए, अक भाई चलो भाई राजा का बटन टूट गया है और भाई इसको जो है लगाना है, राजा के बटन को इसको लगा दो। तो भाई जब उसने तो कारीगर ने जो पकड़ के लाए दर्जी ने, तो उसने तो बटन लगा दिया और भाई वहाँ पे जो है भाई उस दर्जी ने ढूंढ कर लाए, अक भाई राजा के उसका शर्ट का बटन लगाना है शर्ट का बटन लगाना है। तो भाई दर्जी आया और उसने जो अभी सुई धागा लेकर अपना भाई उसका दर्जी का बटन लगा दिया। तो अब जब दर्जी ने बटन लगा दिया तो राजा जी बोले कि भाई कितनी कीमत होगी इसकी, बटन लगाने के कितने पैसे लोगे? तो भाई वो दर्जी ने बोला ना राजा जी रहने तो, क्या पैसे लेने, छोटा सा काम था, मैंने लगा दिया आपका बटन। तो राजा ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, आपकी जो जो आपने पैसे लेने हैं वो बता दो मेरे को। तो भाई वो बोला कि अंदर ही अंदर वो सोच रहा अभी के मांगू, कितने मांगू, कहीं मैं कुछ मांगू और राजा ने घने लगे और भाई कहीं मेरे फांसी तोड़वा दे। तो कई बार उसने मन में विचार कराया, 1 रुपया मांगू बटन लगाई का या 2 मांगू। तो भाई सोचा कदे ज़्यादा हो, भाई राजा ने गुस्सा आ जा, पता नहीं क्या सजा देते। तो भाई वो इसी सोच विचार में और वो बोले राजा साहब मना नहीं बेरा, मैं ना लूँ कुछ भी। तो राजा ने बोले नहीं भाई पैसे तो लेने पड़ेंगे। और राजा भी ये मन में सोच रहे अब पता नहीं भाई ये क्या मांग ले और मैं ना दे पाऊँ और कहीं मेरी भाई बेइज्जती हो या भाई राजा राजा से ये मांगा और राजा ने दिया नहीं। मतलब राजा के मन में भी वही विचार चल रहे और उस दर्जी के मन में भी अगर मैं क्या मांगू, और वो सोच रहे मैं भाई नहीं दे पाया। तो भाई जब ना तो दर्जी कुछ डिसाइड कर पाया ना राजा कुछ डिसाइड कर पाया और राजा ने कह दिया अपने मंत्री थे, मंत्री साहब इनसे इनको जो है आप जो दो दो गांव दे दो। मंत्री था भाई इनको 2 गांव दे दो। तो भाई अंदर अंदर दर्जी भी खुश और भाई राजा ने तो भाई उसकी कीमत देनी थी। तो भाई देखो दर्जी ने तो 2 रुपये भी ज़्यादा लग रहे थे, अब कहीं मैं 2 रुपये मांगू और भाई राजा ये जाने कि भाई ये तो कभी जनता को लूटता होगा। तो देखो उसकी सोच से ऊपर दे दिया राजा जी ने, राजा ने तो भाई देखो ये भगवान की लीला है, हम भगवान से मांगते कुछ और अगर हमारे अच्छे कर्म है तो भगवान पता नहीं हमने क्या से क्या दे दे, और हमारे कर्म अगर सही नहीं है तो भाई जो हमारे भाग्य में है वो भी ना मिले हमें। तो भाई भगवान तो यही कह रहा भाई तुम अपने आप को मेरे को समर्पित कर दो और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।